की चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगहों पर छुटपुट घटनाओं की सूचनाएं मिलती रही, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की मुस्तैदी के चलते कोई बड़ी और अप्रिय घटना घटित नहीं हो सकी। प्रशासन की मुस्तैदी इस कदर थी कि प्रत्येक पोलिंग बूथ पर के जवान भी मौजूद रहे। वहीं सभी पोलिंग बूथों पर मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित था। चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर हुई राजनीतिक हिंसा दिनभर चर्चा का विषय बनी रही। वहीं शाम 4 बजे तक जिले में लगभग 55% मतदान हो चुका था। हालांकि प्रशासन ने प्रचार प्रसार इस तरह से किए थे कि 100% मतदान हो सके, जो नहीं हो पाया। इस मतदान में पहली बार वोट दे रही आयुषी ने हमें बताया कि वह पहली बार वोट देने को लेकर काफी उत्साहित है। साथ ही ऐसा विधायक चाहती है जो भ्रष्टाचार से दूर रहे। कैसा लग रहा है आपको वोट करके? अच्छा लग रहा है। किसी तरह की कमी कुछ देखने को मिली आपको यहाँ पे? नहीं, सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। एक जो फेयर कर सके, जो भ्रष्टाचार ना फैलाए यहाँ। वही अपने 80 साल पूरे कर चुकी एक वृद्ध महिला ने बताया कि वह लगातार चुनाव में अपने मतों का प्रयोग करती आ रही हैं। उनका हौसला इतना बुलंद था कि शरीर के साथ ना देने के बावजूद भी वह हिम्मत करकर मतदान केंद्र पहुंच गई और अपने मत का प्रयोग किया। कितने साल की हो गई हैं आप? अच्छी। कोई दिक्कत तो नहीं आई? कैमरे का कोई दिक्कत तो नहीं आई ना वोट डालने में? सब आराम से। प्रशासन के द्वारा वृद्ध लोगों की मदद के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया हुआ था, जिसके चलते कई वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों को अपने मत का प्रयोग करने में आसानी रही। बनाए गए हैं। इस प्रकार केवल वोट डाल चुकी है व्यक्ति हैं जो चल नहीं पाते हैं, जो